आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। मुरैना में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात थाना पुलिस और कोतवाली पुलिस ने साइलेंसर में छेड़छाड़ कर पटाखे जैसी आवाज निकालने वाली बुलेट मोटरसाइकिल पर कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी रोहित यादव ने शहर के प्रमुख चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर बुलेट मोटरसाइकिल को पकड़ा। इस कार्रवाई में लगभग आध सेकड़ से अधिक ऐसी बुलेट मोटरसाइकिलों पर चालानी कार्रवाई की है। बता दें कि इस गोली जैसी तेज आवाज वाली बुलेट को सड़कों और गोलियों में दौड़ाना युवाओं का शौक बनता जा रहा है। इस शौक के चक्कर में काफी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने ऐसी मोटरसाइकिल को पकड़ने के लिए निर्देश दिए। भाई वहाँ खड़े गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई है सर, कितनी गाड़ियाँ पकड़ी जाती है? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कोतवाली टीआई साहब और ट्रैफिक पर दोनों लोगों ने, हम लोगों ने संयुक्त कार्रवाई आज सुबह से ही चला रखी है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3 से 4 चेकिंग पॉइंट आज सुबह से लगाए हैं और हम करीब 30 से 35 बुलेट गाड़ियों को अभी जो तेज़ आवाज़ में साउंड कर रही है उन सभी को पकड़ा है। इनके साइलेंसर निकलवाने की साथ ही जुर्माने की कार्रवाई इन पर की जा रही है। अभी सभी खड़े हुए हैं और ये कार्रवाई अभी लगातार चल रही है। लगभग कितना जुर्माना होगा इन पर या कितना ज़्यादा वसूला जा रहा है? ये अभी मौके पर अभी कार्रवाई चलती रही है, जैसे ही जैसे इनके मालिक और ये आते जा रहे हैं उनको हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। जो तेज़ आवाज़ में कर रहे हैं उन पर ध्वनि प्रदूषण का 1000 रुपये का उन पर चालान कर रहे हैं, साथ ही उनके साइलेंसर को निकलवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल कितनी गाड़ियाँ पकड़ी हैं? 30 से 35 गाड़ी अभी हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। आगे किस तरह की और कार्रवाई रही है? ये कार्रवाई लगातार इन लोगों के लिए एक सबक देने के लिए की गई है कि जो तेज़ आवाज़ में गाड़ियाँ चलाएंगे उनको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, और इस शहर में जो लोगों के हर गली मोहल्ले में जो आतंक मचा रखे हैं इसको बिल्कुल भी हम लोग सख्ती से निपटेंगे और कोई भी बुलेट में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे। आगे अगर नहीं मानते तो उन पर जुर्माना अधिक किया जाएगा? बिल्कुल, अगर इस प्रकार अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग लगातार जुर्माने की भी राशि भी है और वो भी बढ़ाएंगे, और भी जो MB Act के तहत जो वैधानिक कार्रवाई होगी उन पर सब पे कार्रवाई वैधानिक करेंगे।